ज्ञान मांगो श्री मां से चित समर्पित श्री चरणों में जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर साक्षी भाव में आ
अवपश्चात् अवपुरस्तात्
अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निच्छत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय
जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका, जाय विभीषण को सुख दीना, सीता ने रखी परम पद लीना, बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जम का तर तोरा, अजय कुमार कुमारी संहारा, धूम लपेट लंक को जारा, लाह समान लंक जर गई, जय जय धुन सुरपुर महाभाई, अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करम पुर अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता, जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भट नागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरहि मारु बज की कीले, गदा वज्र लय बैरहि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो, ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, बज गदा हनु विलंब न लावो, ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा, सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के, जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा, जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा, वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही कोहरामो, जय अंजन कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता, बदन कराल काल कुल भालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाचिन शाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर, इन्हें मार दुर शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो, जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा, चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई, ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संत सामी पराने खल दल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो, बजरंग बाण जही मारे, काहि कहो फिर कौन उबारे, बात करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे, धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, प्रेम प्रतीति ही कपी धजे, सदा धरे उर ध्यान, देह के कारज सकल सुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः, ओम श्री अंबिका देवी नमः, ॐ मधुसूदनाय नमः, ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः, ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः, ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः, ॐ श्री रक्षाकरी नमः, ॐ राक्षसघ्नी नमः, ॐ श्री चामुंडा नमः, ॐ मधुकेतवहंत्री नमः, ॐ नरकांतका नमः, ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः, ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः, ओम श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः, ओम श्री कार्तिकेय नमः, ओम सर्वासुर मर्दिनी नमः, ओम सर्व बाधा विनाशिनी नमः, ॐ सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नमः, ॐ सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा नमः,
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्याय नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Mano Buddhyahankar Chitta Ninaham Nacha Shrotra Jihve Nacha Ghana च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम चिदानंद शिवोहं शिवोहं न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु न वास पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूप शिवोहं शिवोहं चिदानन्द शिवोहं शिवोहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मासर्यभा न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्द रूप शिवोहं शिवोहं चिदानन्द रूप शिवो पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदानयन अहं भोजनं नैव भोज्यं चिदानन्द रूप शिवोहं शिवोहं चिदानन्द रूप शिवोहं शिवोहं न मृत्योर्न शङ्का नैव मे नैव माता न जन्म
That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. Shri Mataji kaisi manukampa me. इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में हम समस्त सहयोगी जिनके अंदर श्री गणेश जागृत है, जिनकी पवित्रता का रक्षण श्री गणेश हर पल हर क्षण करते हैं, श्री गणेश जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अधिक शक्तिशाली, श्री माता जी का प्रथम सृजन है श्री गणेश, पवित्रता की प्रतिमूर्ति है श्री गणेश, आइए आज के ध्यान श्री गणेश के विषय में माने क्या क्या बताया है, क्या हम उसको महसूस कर पाते हैं, क्या हम श्री गणेश को अपने अंदर जागृत महसूस करते हैं, क्या हम श्री गणेश की सहायता से ब्रह्मांड में एकाकारिता का अनुभव करते हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो गौरी वर्जिन है, उनका रक्षण श्री गणेश कैसे करते, श्री गणेश की सहायता से ही किसी भी मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति उठ सकते, अन्यथा हजारों वर्ष की तपस्या से भी ये नहीं उठ पाती। श्री माता जी ने 12,000 वर्ष तपस्या की जिससे हमें सहयोग प्राप्त हो सके। आइए आज के ध्यान में सबसे पहले श्री माता जी की श्री गणेश पूजा के अवसर पर दी हुई अमृतवाणी को सुनते हैं। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को मेरा सादर नमन।
आपके गणेश तत्व को मेरा साधन। अपने चित्त को पूरी तरह से बाह्य हृदय में रखेंगे। शांत कर लेंगे चित्त। हर जगह से हटा लेंगे। बाएं हृदय में रख देंगे। Get out of materialistic attitude and materialistic viewpoint and materialistic sticking point. I had met one guru before, because you know I went to all of them, and I asked one of them, I said, why do you take money, so much money from these people who are Western people? So much, why do you take them? Just they become beggars, absolutely like beggars they become, because you charge them so much and so heavily. And he told me that unless and until you make them beggars, they will never take to God. They are too rich to be near God. This explanation I just could not understand. It was absurd. I could not understand how can this explanation have any proper meaning, that you should make people beggars and then they will nearer to God. I said, in India we have many beggars. Do you think those beggars are nearer to God? So he said, no, otherwise, you see, they get stuck up with their money and must just make them absolutely without any money, moneyless people. So, I mean, of course, to such a stupid person, what can you talk and what can you convince that, why, I couldn't say, they move out, they don't understand English. She just yields to things, just to please. Simple word zani comes from the word za. Ja comes from the word spontaneous. Also, ja has two meanings. Ja means also jnana, is awareness, and also it means spontaneous. Zani. So you start sucking that within yourself. When you are not entangled into other things, if your attention is entangled outside, you cannot enjoy. So, to be lost into, which is samadhi, you see, is the one where your attention is completely drowned into the experience. That is what we have to achieve. So it's not only materialism, also emotionalism, all kinds of isms. We are attacked by all kinds of isms. Since the history of God started in this world, I think. And now the unholy thing, that the ism, the latest is, could be Sahaja Yoga ism, also could be the latest one. Because now there has to be attack on Sahaja Yoga also. In this one is that, as I told you, I didn't explain it properly or you didn't hear me properly that day, that Sahaja Yoga does not mean lethargy or slowness, not at all, but is a quick and a fast stepping in into the dissolution. Very quick. And once you very quickly dissolve into it, the whole movement of your body is quick but not jerky, smooth and quick. So when you just turn and see that, you should abhor that, abhor it. It's shameful. How could you be like that even in Sahaja Yoga? So as I have told you, there are some people who are materialistic,
some people who are emotionalistic and some people who are egoistical. Now leave all these things on the sides. Then you come in the center. Now you are in the center. In the center, people enjoy just the love of their mother, like Sri Ganesha does. Just think how your mother loves you. Finished. Can you? This is a very sweet feeling. And who is your mother, if you really believe in her, in Sahaja Yoga? These two things should solve the problem. No more things. Just think how much your mother lives. That means you are jumping onto my Kundalini. And when you jump onto my Kundalini, then there is no thought. You cannot think. When you think that how much your mother loves you, you are jumping onto my Kundalini. And that time there is no thought. It's very simple to meditate in Sahaja Yoga because you have somebody in person. They never had somebody in person. So I can understand their problems. There was nobody in person there to do it in the air. But here, a sure shot thing, you can feel your vibrations, you can feel my love, and you can feel your own quality. It's very simple. But it's not the love that is selfish. It's not the love where you say, oh, mother loves me, so she'll look after me, she'll do everything for me, she's going to do everything. It's the love that mother loves me so much, what can I do for her? Which is the best flower I can give to my mother? What does she need? She needs nothing. She doesn't need money. She doesn't need anything. What can I give her? Which is the best flower? Like Sri Hanumana was given a gold necklace by Sitaji. And he saw that. And he was sitting on a tree. He was breaking one by one all of those big, big gold balls of his necklace. So Sitaji said, what are you doing? He said, I'm trying to say in these balls, where is Ram? He said, none of them have, so I'm just breaking them to find her. Otherwise, why should I wear it? And then she said, really? Where is Ram? He opened his chest. He said, see, in my chest, he exists there. So it is never one-sided sort of a thing. It's a thing that exists within you and you feel that, and then it has to be reciprocal. In the water, if there is a ripple, it goes to the shores and then it returns. So with this force only, I tell you, you can conquer your ego and superego both. There's no way out. ही जी महाराष्ट्राची भूमी आहे ह्याच्यामध्ये सर्व विश्वाची कुंडलिनी आहे हे मी आपल्याला अनेकदा सांगितलं बरं त्याच्या शास्त्रात आधार असा की याच्या साडेतीन पीठं असं सांगितलेलं आहे साडेतीन पीठं फक्त कुंडलिनीला असतात तसेच अष्टविनायक हे सुद्धा सर्व महाराष्ट्रात आहेत ते खरे की खोटे हे तुम्ही पार झाल्याशिवाय जाणू शकत नाही कारण पार झाल्यावरच तुम्हाला कळेल की त्याच्यात नाही ते पण मुसळवाडीला तर साक्षात सहस्रारच मुळी आहे तेव्हा ही किती महान भूमी आहे हे तुमच्या लक्षात येईल आणि इथे जे चमत्कार घडणार आहेत ते कुठेही असे प्रकारचे घडू शकत नाही म्हणजे ह्या परिसरात कारण ही गोष्ट तुम्हाला माहीत नसेल की ही फार चमत्कारपूर्ण जागा आहे आणि ज्या जोमाने हे सहजोगात लागतात
तसं मात्र इकडे दिसत नाही आपल्याला. कारण आपल्याला जे सोप्यात मिळतं त्याची आपल्याला कदर लागत नाही. इथे म्हणजे पार व्हायला तुम्हाला तर दिसेलच, खेडेगावात 6-7 हजार माणसं पटापट पार होतात, पण तिथे एका माणसावर मला 5-5 महिने लागतात, हात मोडतात माझे. तेव्हा इथल्या लोकांना सहयोगात काय आम्हाला मिळालं हे समजत. तुम्ही अनेक लोक पार होता पण तरी सुद्धा ही फार महत्वाची गोष्ट आहे आणि ती समजून ठेवली पाहिजे की आम्हाला जर ही विशेष देणगी मिळालेली आहे तर तिचा उपयोग सुद्धा एक विशेष असायला पाहिजे आणि आम्ही सुद्धा एक विशेष झालं पाहिजे. नाहीतर म्हणजे त्याचं पक्षी रूपामध्ये पुनर्जन्म झाला. आता एका अंड्याचा आणि पक्षाचा आपापसात काय संबंध दिसत नाही बाह्य आता, पण ते आज पक्षी रूपाने बाहेर येऊन दुसरं स्वरूप घेते. तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या स्वरूपात आल्यावर तुम्हाला जर राज्यपद दिलं तर त्याला काय हरकत होईल? असंच मी महाराजांना म्हटलं की तुम्हाला एवढं काय एवढं वाईट वाटतं या लोकांचं, म्हणे तुमच्यासाठी किती लोक जीव द्यायला तयार होतील. म्हटलं मला कोणाचा जीव घ्यायचा नाही आहे, जीव द्यायला कशाला पाहिजे. पण तुम्हाला ज्या स्वरूपात आम्ही आणलेले आहे, आता तुम्ही संत झाले, मोठे संत झाले तुम्ही, म्हणजे आता लोक हातावरती बोटावरती कुंडलिनी उचलतात ते फक्त गणेशाला साध्य होतं, फक्त गणेशाला साध्य होतं. पूर्वी एकेका चक्रावरती लोक कुंडलिनी उचलून थांबत असत, आज संबंध हाताने अशी नुसते बोटाशी फिरवली म्हणजे एखाद्या काय, पण किती लोकांच्या तुम्ही कुंडलिनी उचलू शकता त्यांना सांगते म्हणजे याच्या लक्षात येईल. नाव आय वॉज टेलिंग दॅम, आय मस्ट ट्रान्सलेट इट टू यू इन इंग्लिश. Is the most important point I was telling, that now you are transformed, now you have become saints, no doubt about it. Now from an egg you have become a bird. But now what should happen to you? Your kundalini is still in the sacrum. How it has happened that now you have got all the Ganesha shakti? I have made you like Ganesha. In the same pattern as I had made Ganesha, you are made. बसा 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 बसा. आता नाव यू हॅव बिकम ए गणेश अँड फ्रॉम दिस गणेश स्टेज विच यू थिंक यू आर अ गणेश नाव इफ आय ऑफर यू ए थ्रोन ऑफ श्री गणेश इफ यू हॅव टू सिट ऑन दॅट थ्रोन एज अ किंग देन वॉट शुड हॅपन ॲक्च्युली दॅट नाव युअर कुंडलिनी शुड नॉट बी एनी मोर इन द सेक्रम बोन बट इन युअर स्टमक. Because Ganesha's kundalini is in the stomach. In the stomach means in the Nabhi chakra. Means all your seeking has been so far in materialism, has been in other things like in money or in power or in love or whatever it was. But now your kundalini itself is in the Nabhi chakra. Means your seeking is nothing but itself has become the kundalini. Your seeking has become the kundalini. Means that you are the giver. Now you are the guru. You have now become the guru. When the kundalini starts from the nabhi, that means now you are the guru. Now you have to give all the blessings, everything as a guru does. Now you all have become gurus. But that's only possible when the kundalini has risen, has lifted her abode from the stomach, from the sacrum to the stomach. At this stage, unless and until it has arrived, you are not a confirmed guru. Once that has happened, you become a guru. And then you can really impress people and work it out. It has to be done very fast. It has to work out very fast. And for that, first of all, please get rid of your entanglements, which are stupid. If you really believe that you have to progress in your seeking, that you have to have your kundalini coming up from your nabhi, then please, please hurry up. Please try to work out. Otherwise, you are very few who have been given also the privilege of doing my puja, very few. And those who have been given have a chance to develop to that stage. And once you become that, all of you who have achieved that state can become the gurus. And for that, you have to have only wisdom.
wisdom, keep to your wisdom. And like Sri Ganesha has his wisdom, and in that wisdom he knew one thing, that his mother was all powerful and that he doesn't have to worship anybody else but his mother. And he has to have all the powers which are granted by her. With these powers, no one has. Even Brahma, Vishnu, Mahesha does not have. They cannot reach Ganesha. They cannot reach his state because they have one sided. But Sri Ganesha has all the powers, all the Chaitanya powers he has. So to become like that, to be like that, he should be your ideal. How he behaved and how he would sacrifice anything for the sake of mother. Here there are people who don't even want to pay for something like a puja and wretched stuff, which you may just spend away somewhere in a nonsensical thing. Because your attention has to be brought round completely. It has to be completely severed from all these nonsensical entanglements. Just feel the peace and try to achieve that peace within yourself. Don't pay attention to nonsensical things and this with this your little brain. Try to criticize. But try to achieve the peace within yourself so that you can give peace to others. It's not proper that some of you are looking after the negative people all the time. It's not proper. You don't have to look after the negative people. Just leave them alone. Keep out of them, because negative people can always bring you down. Don't try to improve the conditions of the negative. Leave them behind. You go first. Once you have achieved that state, then we can arrange for them to come. For example, if my car has failed, all right, I got into another car, which was all right because I have to come to the program. Then I can send a tempo from here to get that another car, where there were some people who were not supposed to be at the program. That's how you have to be quick and not bother your heads too much about the negative people, who are sick people, trying to be compassionate. There's no need. Tell them, tell mother. Let you talk to mother, look after yourselves, and don't be bothered about them. This is another nonsensical idea of compassion we have got. Compassion is not mental projection, I've told you. A compassion that works, that flows. It's all mental. You see, for us, compassion is mental, every idea, peace is mental, bliss is mental, God is mental, everything is mental for us. He's not. He's the one that resides in the heart as spirit. He's the one who works through the compassion, and now you know my compassion is that it flows, it works, it acts. It's not mental. So don't try to be mentally concerned with people and try to be compassionate. All right? I hope you understand that the compassion is not a mental idea that we are compassionate, we are working for the unity of the world and all that. Even unity and all those ideas, even the idea you have to ascend faster. You have to individually ascend faster and collectively pull out everyone. But not those who are heavily laden with problems and who are creating problems and objecting your progress. That doesn't mean that you are not compassionate. You know how much compassionate I am. But my compassionate doesn't make stories, I am so compassionate and I am this and that. Up to a point is all right, but don't so too much bother about people who are dragging you behind. You have come here for a training into the understanding and the of awareness, which is compassion. You all have to. Even when you go to the school, you are not bothered about a person who is lacking in the class, do you? You want to study fast so that you come up well. In the same way, I would request you not to bother your heads too much about people who are trying to pull you down, because I don't want you to be pulled down. That's my compassion for them and for you. Let me look after them and you just don't worry your heads about them. They'll be all right. So may God bless you. Let's have a puja today. And this puja will be simple today. I think we'll have Ganesha's puja and then we'll have Devi's puja today. अपने चित्त को
पूर्ण रूप से। अपनी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित करेंगे और आज हम माँ की कृपा में महसूस करेंगे ये हमारे कुंडलिनी माँ हमारी शिक्रमोन में है या नाभि में। चित्त को रखेंगे मूलाधार चक्र में, श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए, हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आप ही सर्वोच्च पद पे आसीन है, आप बुद्धिमान है, आप श्री माता जी के प्रिय पुत्र हैं, आप श्री माता जी को पूर्णतया समर्पित है। श्री माँ के श्री चरणों में ही सब कुछ है, आप ये बात जानते, हमारे अंदर भी श्री माता जी के प्रति भक्ति समर्पण आपकी तरह ही जागृत है। हे प्रभु श्री गणेश, हमारा निर्माण भी आप ही की तरह हुआ है, कृपा कीजिए हमारी कुंडलिनी माँ को भी आप ही की तरह हमारे नाभि चक्र में स्थापित कर दीजिए। महसूस करेंगे श्री गणेश को कार्य करते हुए, शिक्रम बोन से हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी नाभि में स्थित हो रही, पूरा चित्त नाभि चक्र में सुषुम्ना नाड़ी में पूरा चित्त रखेंगे, यहीं पे सब चक्र मध्य में नाभि चक्र में पूरा चित्त कुंडलिनी शक्ति एक एक धागे हमारी पवित्र अस्थि से उठ नाभि चक्र में आ रहे, महसूस करेगी पूरा चित्त अपने अंदर पूरा चित्त अपने अंदर महसूस करेंगे, हम श्री गणेश के अंदर पूरे समय उनकी नाभि और हमारी नाभि
पूरी तरह सीख। श्री माता जी कृपा कीजिए, मेरा गुरु तत्व स्वच्छ कीजिए, हेमा कुंडलिनी कृपा कीजिए, हेमा कुंडलिनी कृपा कीजिए, हेमा कुंडलिनी कृपा कीजिए, पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ चुके, मैटर से ऊपर उठ चुके, फील करेंगे इस एलिवेशन को, पूरा चित्त नाभि चक्र चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में, विशुद्धि में पूरी कुंडलिनी शक्ति पूरे वेग से उठ रही आगे ब्रह्मरंध्र श्री माता जी के श्री चरणों में सब कुछ छोड़ देंगे, पूरा चित्त समर्पित कर देंगे अपने आप को श्री चरणों में, परमेश्वर ये चित आपका है, पंच तत्वों से ऊपर है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र चित्त है, स्वतंत्र है परमेश्वर, मुझे ब्रह्मांड श्री गणेश के समान एक एक कण में आपका परम चैतन्य अनुभव करा दीजिए, कृपा कीजिए श्री माता जी अपने विराटांगना स्वरूप में धारण कर लीजिए, पूरी तरह से माँ के अंदर
अपने आप को महसूस करेंगे, हमारी कुंडलिनी शक्ति, माँ की कुंडलिनी शक्ति से एकाकार हो गई। होने का कार्य था श्री माता जी के साथ, महसूस करें। चित्त को आकाश में ले जाए, अंतरिक्ष में ले जाएंगे। शून्य सरोवर में ले जाएंगे, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर शिव, उनके अंदर समा गए हैं हम। पूर्णतया समा गए, पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधि, महायोग। प्रयास करेंगे बाहर आने का, चित्त को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। श्री गणेश के समान, श्री गणेश के रूप में परिक्रमा करेंगे शिव शक्ति की, और फिर से समा जाएंगे उनके अंदर। चित्त को बाहर लाए, धन्यवाद करेंगे परम पिता का, परमेश्वरी का, अनंत कोटि, अनंत कोटि धन्यवाद।
अपने अंदर समाने के लिए, समाधि का अनुभव देने के लिए। धीरे धीरे अपने चित्त को अंतरिक्ष में लाएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों अपने शरीर से गुरुत्वाकर्षण से डिटैच्ड अंतरिक्ष में स्थित हर ग्रह में ईश्वर के द्वारा निर्मित ग्रह मनुष्य के द्वारा निर्मित यान हर वो चीज गुरुत्वाकर्षण से परे है। जो अंतरिक्ष में स्थित है महसूस करेंगे अपने चित्त को सबके भीतर धीरे धीरे आकाश में आते जाएंगे और आकाश से पूरे विश्व में चित रखेंगे। पूरे विश्व में पंच तत्वों को भी चैतन्यित कर देंगे। भूमि जल वायु अग्नि आकाश अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया भारत में महाराष्ट्र विश्व के कुंडलनी स्थित है। भारत अष्ट विनायक श्री गणेश चित्त महाराष्ट्र में चित्त को धीरे धीरे अपने शहर में लाएंगे। उन सब स्थानों पर ले जाएंगे श्री गणेश को फैलाएंगे। पवित्रता को हमसे संबंधित हमारे चित्त में रहने वाले इमीडिएट अटेंशन में रहने वाले सारे स्थान
हमारे चित्त में इमीडिएट अटेंशन में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति हमारे परिवार के लोग, सबके अंदर श्री गणेश तत्व जागृत हो रहे हैं। चित्त को लाएंगे संस्कार में श्री माता जी के श्री चरणों। छोड़ देंगे चित्त, चित्त सदा रहे माँ चरणन में। ध्यान स्वतः हो जाएगा। श्री माता जी, आप ही करता, आप ही करता, आप ही शब्द, आप ही नाद, आप ही क्रिया, आप ही प्रतिक्रिया। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, सारे लोग, देवी देव आपका ही सृजन है। आपने हमारा सृजन की वर्षों की तपस्या के बाद इस सहयोग दाइनी आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। श्री माता जी के ही श्री चरण चित्त को संभालेंगे। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड कर देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। अलका बेटा, आज की इस सुंदर ध्यान यात्रा के लिए सर्वप्रथम श्री माता जी को अनंत 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 कोटि नमन। और इतनी परम शांति फैली हुई है, सर्वस्व जैसे एकदम शांत हो गया है, एकदम मौन है। अर्थात आज मेरे पास शब्द नहीं है और ना कोई, ये कि मैं अपनी अनुभूति को व्यक्त कर पाऊं कि जितनी शांत, पूरी परम चेतन से भरी हुई ध्यान यात्रा चली है,
जिस समय शून्य सरोवर पर एकाकारिता हुई और उसके बाद ऐसी समाधि लगी है कि बस अमृत की ही बारिश हो रही थी, कोई शब्द नहीं, कोई कुछ नहीं, और तुम्हारे शब्द भी ये लग रहे थे कि परम चेतन ही बरस रहा है। इस समय शायद इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। थैंक यू बच्चा, लव यू बेटा। माँ आपको बहुत बहुत सारा प्यार किया आपने, इतने प्यारे यंत्र को हमें दिया और इसके साथ हमें ग्रहण कर दिया। थैंक यू माँ, लव यू बच्चा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज का ध्यान ना शांतिपूर्ण था, एकदम बहुत शांति जैसा पूरा बना हुआ था आज का ध्यान दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी, लव यू श्री माता जी।